वंस अगेन वेलकम। इंडियन हिस्ट्री में हम गवर्नर जनरल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और उसके बाद नेक्स्ट जो सेकेंड गवर्नर जनरल थे बंगाल के उनके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। उसके बाद सेकेंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे जॉन मैकपर्सन, इनका रूल रहा 1785 से 1786। इनका रीन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ खास नहीं इनका रीन, सिर्फ एक साल तक इसका रीन रहा जॉन मैकपर्सन का। और जॉन मैकपर्सन के पास जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल आते हैं उसके बाद वो आते हैं कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस इनका रीन है 1786 से लेके 1793 तक। कॉर्नवालिस का रीन रहा 1786 से 1793 तक। और कॉर्नवालिस को कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इसलिए कहा जाता है, इंट्रोड्यूस करते हैं सिविल सर्विसेज इंडिया में। मेरे साथ साथ आप भी नोट डाउन करते रहे, ही इंट्रोड्यूस सिविल सर्विसेज इन इंडिया एंड ही वॉज कॉल्ड एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, कॉर्नवालिस जो है सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस करते हैं इंडिया में, इसीलिए कॉर्नवालिस को कहा जाता है क्या, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। अब कॉर्नवालिस फर्स्ट गवर्नर जनरल है जो यहाँ पे कोडिफाई करते हैं लॉज को, जिन्हें फिर उसे कहा जाता है कॉर्नवालिस कोड कहा जाता है। फर्स्ट पर्सन टू कोडिफाइड लॉज को कोडिफाइड करते हैं, नोन एज, जिसे क्या कहा जाता है, कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड, अब कॉर्नवालिस कोड में क्या है, रिफॉर्म्स लाए जाते हैं। कौन कौन से रिफॉर्म, ज्यूडिशियल रिफॉर्म, मतलब चेंजिंग की जाती है, नई नई चीजें इंट्रोड्यूस होती है, ज्यूडिशियल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ज्यूडिशरी में रिफॉर्म करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म करते हैं, और नंबर थर्ड रेवेन्यू रिफॉर्म। कॉर्नवालिस, ये मैंने आपको कॉर्नवालिस के बारे में डिटेल बताई है, रिफॉर्म्स लाते हैं, ज्यूडिशियल रिफॉर्म लाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाते हैं, और रेवेन्यू रिफॉर्म लाते हैं। और फर्स्ट पर्सन मैंने आपको कहा जो कॉडिफाइड करते हैं लॉज को, और उसे कहा जाता है क्या, कॉर्नवालिस कोड। अब यहां पे क्या किया जाता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी वाज यूरोपियनाइज्ड। अब जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसको ये क्या करता है, यूरोपियनाइज्ड करता है, मतलब यूरोपियन बेसिस पे, जैसे यूरोप में एडमिनिस्ट्रेशन चलती है वहां सिमिलरली उसी तरह कॉर्नवालिस यहां पे जो है बहुत सारी चीजें जो है इंट्रोड्यूस करता है। अब ये क्या करता है, पुलिस को यूरोपियनाइज करता है, पुलिस वाज यूरोपियनाइज। पुलिस को यूरोपियनाइज करता है, क्या क्या चेंजिंग लाता है, डिस्ट्रिक्ट
वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉल थानास। डिस्ट्रिक्ट को किसमें डिवाइड करता है? स्मॉल थानास मतलब थाने से बनवाता है, ठीक है। इंस्पेक्टर वॉज अपॉइंटेड इन ईच थाना। डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करता है स्मॉल थानास में, और हर थाने में क्या करता है, हर थाने में इंस्पेक्टर अपॉइंट करता है। और क्या रिफॉर्म लाते हैं इसके टाइम में? पोस्ट ऑफ एसपी, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट है, वो कौन क्रिएट करता है? कॉर्नवालिस। पोस्ट ऑफ एसपी, एसपी क्या होता है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। वॉज क्रिएटेड, एसपी की पोस्ट क्रिएट की जाती है। इसका मतलब क्या है? इससे पहले यहाँ पे एसपी की पोस्ट नहीं थी। भाई एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स तो यही लाते हैं, गवर्नर जनरल आते हैं, धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म लाते हैं, चेंजिंग लाते हैं। पोस्ट ऑफ एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वॉज क्रिएटेड। अब पोस्ट एसपी क्रिएट करते हैं किस लिए? टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ इंस्पेक्टर्स। मतलब एसपी क्या करेंगे? इंस्पेक्टर्स के काम काज को, इंस्पेक्टर क्या काम काज कर रहे हैं उसे एसपी जो है वो सुपरवाइज करेगा। देखिए इसमें बहुत सारे आपके जीएससी क्वेश्चन निकल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट बन गए, डिस्ट्रिक्ट सॉरी पहले से थे, अब डिस्ट्रिक्ट को उसने थाना में डिवाइड किया, इंस्पेक्टर अपॉइंट कर दिया, एसपी की पोस्ट क्रिएट कर दी कि वो सुपरवाइज करेगा इंस्पेक्टर के वर्क को। और इंडियन को क्या दिया जाता है? इंडियन वुड गेट द हाइएस्ट पोस्ट ऑफ एस आई, ऐसे द्रोगास कहते हैं। अब यहां पे थानास पुलिस को भी रिकॉग्नाइज किया, अब इंडियंस को भी देते हैं, इंडियंस को भी पुलिस में लाते हैं। लेकिन इंडिया हाईएस्ट पोस्ट कब तक जा सकता है? इंडियन जो है कोई भी इंडियन को कहां तक पहुंच सकता है? सिर्फ एसआई तक, मतलब सब इंस्पेक्टर तक, सिर्फ वो यहां पे दरोगा बन सकता है। आप सब इसे नोट डाउन कर लें, और जो वीडियो देख रहे हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे जोड़ते हैं, द रेवेन्यू collector was deprived of judicial power। जो रेवेन्यू कलेक्टर थे उसे बस पहले जुडिशियल पावर थी, रेवेन्यू कलेक्टर से जुडिशियल पावर ले ली जाती है, एंड देयर वर्क merely become collection of revenue। revenue collector के पास judicial जो power पहले थी revenue collector के पास ही, अब collector से judicial power दे दी है। अब सिर्फ collector का काम क्या है कि वो revenue को जो है वो collect करेगा। और क्या होता है इसके time में? The highest, जो हाईएस्ट सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील, हाईएस्ट सिविल और क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील कौन से होते हैं? एक होता है सदर दीवानी अदालत, सदर दीवानी अदालत। हाईएस्ट सिविल कोर्ट ऑफ अपील होगा वो होगा सदर दीवानी अदालत, और जो क्रिमिनल होगा वो होगा सदर निजामत अदालत। वर प्रिजाइडिंग बाय गवर्नर जनरल
एंड हिज कॉन्सेप्ट। पॉइंट वाइज आप पॉइंट वाइज बिल्कुल देखे चले, नोट डाउन करते थे, जो रेवेन्यू कलेक्टर था उसके पास पहले जुडिशियल पावर थी, उसे जुडिशियल पावर ले ली जाती है और अब उसका वर्क सिर्फ यही है कि वो कलेक्ट करेगा क्या रेवेन्यू। अब जो हाईएस्ट सिविल और क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील है, जो सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत, अब इनको कौन प्रिजाइड करेगा, इनको प्रिजाइड करेगा गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल की कौंसिल जो है वो इनको प्रिजाइड करेगी। यहाँ पे और होते हैं प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील खोले जाते हैं, फोर प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील इस्टेब्लिश किए जाते हैं, मतलब ब्रिटिश की प्रोविंसेस होती है ना, फोर प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील वर इस्टेब्लिश्ड, चार कोर्ट जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाते हैं एट कहाँ कहाँ पे, कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना अंडर यूरोपियन जजिस, ठीक है। फोर प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील इसके टाइम में खोले जाते हैं, कहां पे, कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना और किसके अंडर होते हैं वो, यूरोपियन जजिस के अंडर। आप इसे नोट डाउन करें और इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं इसके आगे। अब और कॉर्नवालिस क्या करता है, इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इंट्रोड्यूस करता है। इसमें क्या होता है, द स्टेट, स्टेट का शेयर फिक्स होता है, वॉज फिक्स एट 89%, लीविंग 11% विद द जमींदार। इसका मतलब यह है कि परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करता है, परमानेंट सेटलमेंट बंगाल की इंट्रोड्यूस करता है, उसमें यह होता है कि जो जमींदार के पास मतलब जितनी जमीन है, जो उससे जितना भी वो रेवेन्यू कमाता है, जितना भी उससे वो पैसा कमाता है, वो 89% जो है उसका वो किसको देगा, 89% टैक्स देगा स्टेट को, और जमींदार अपने पास कितना रखेगा, जमींदार अपने पास रखेगा सिर्फ कितना, 11%। अब इसने यहाँ पे बहुत सारी चीजें जैसे इंट्रोड्यूस कर दी। अब टॉप पोस्ट जो यहाँ पे होती है, जब जॉब्स का आता है, टॉप पोस्ट जो देता है यूरोपियन को, टॉप पोस्ट फॉर यूरोपियंस, ये सिविल की मैं बात कर रहा हूँ, टॉप पोस्ट यूरोपियंस सिविल डिपार्टमेंट में, और एंड इंडियन वुड गेट द पोस्ट ऑफ लोवेस्ट पोस्ट ऑफ पीएम्स, टॉप पोस्ट यूरोपियंस के लिए होगी सिविल में, और इंडियंस के लिए लोवेस्ट पोस्ट होगी पीएम्स की, और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल है जिसकी इंडिया में डेथ होती है, फर्स्ट गवर्नर जनरल टू डाई इन इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल जिसकी इंडिया में डेथ होती है, हिज ग्रेव इन गाजीपुर यूपी, फर्स्ट गवर्नर जनरल है जिसकी इंडिया में डेथ होती है, जो इंडिया में मरता है, और इसकी जो ग्रेव है वो कहां पे है, गाजीपुर यूपी में। और एक मिनट आप और नोट डाउन कर लेना, जो प्राइवेट ट्रेड है ये अबॉलिश कर देता है, प्राइवेट ट्रेड जो कंपनी सर्वेंट है, जो कंपनीज के एम्प्लॉयज है उनका प्राइवेट ट्रेड ये अबॉलिश कर देता है, खत्म कर देता है, प्राइवेट ट्रेड ऑफ ऑल कंपनी सर्वेंट्स वर अबॉलिश, मतलब आप बिना, आप कंपनी के अलावा अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो, आप बाहर कोई भी प्राइवेट ट्रेड जो है वो
नहीं कर सकते। इसे कॉर्नवालिस के टाइम में थर्ड एंग्लो मैसूर वार होती है। मैंने आपको मैसूर वार के बारे में पढ़ा दिया है। अगर कोई ये वीडियो आज फर्स्ट टाइम देख रहा है, आप जो है मेरी वीडियो जो है प्लेलिस्ट बनी है, आप प्लेलिस्ट में जाके सीरियल वाइज वीडियोस को देखें। थर्ड एंग्लो मैसूर वार कब से कब तक, 1790 से 92 तक सब पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। थर्ड एंग्लो मैसूर वार के बारे में कब हुई थी, कॉर्नवालिस के टाइम में ये वार होती है। अब कॉर्नवालिस के बाद जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल आते हैं वो आते हैं जॉन शो। जॉन शोर 1793 से लेके 1798 तक, 1798 तक जॉन शोर ये फर्स्ट सिविल सर्वेंट है जो गवर्नर जनरल बनते हैं। फर्स्ट सिविल सर्वेंट टू बिकम गवर्नर जनरल। फर्स्ट सिविल सर्वेंट है जॉन शोर जो इंडिया में गवर्नर जनरल बनते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल जो कॉर्नवालिस ने लाई होती है। इंप्लीमेंटेड परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इंप्लीमेंट करते हैं जिसे जो किसने लाई होती है, इंट्रोड्यूस बाय कॉर्नवालिस। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इंट्रोड्यूस करते हैं कौन, कॉर्नवालिस, और इंप्लीमेंट करता है कौन उसको, जॉन शोर जो है वो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल को इंट्रोड्यूस करते हैं। और उसके बाद इनकी जो पॉलिसी होती है वो कौन सी होती है, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, मतलब जो यहाँ पे डोमेस्टिक अफेयर्स हैं उनमें ये जो है ये इंटरफेयर जो नहीं करेंगे। अब गवर्नर जनरल, हर गवर्नर जनरल का अपना अपना रोल है। जैसी गवर्नमेंट आएगी ब्रिटिश में और गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ पे गवर्नर जनरल को जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। अब इसी पॉलिसी होती है नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी होती है, ही ऑक्युपाइड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इन 1796 को अंडमान और निकोबार आइसलैंड को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। 1796 में क्या करते हैं, अंडमान और निकोबार को जो है ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और किस चीज को ये ऑक्यूपाई करते हैं, जयपुर एंड त्रावणकोर, केम अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन, केम अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन। जॉन शोर के बारे में आपको बताया, फर्स्ट सिविल सर्वेंट है जो गवर्नर जनरल बनते हैं, परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस इंप्लीमेंट करते हैं जिसे इंट्रोड्यूस किया था कॉर्नवालिस ने, पॉलिसी इनकी नॉन इंटरवेंशन की होती है, ऑक्यूपाइड करते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड 1796 में और जयपुर और त्रावणकोर को ब्रिटिश के अंडर लाते हैं। और इनके टाइम में क्या होता है, चार्टर एक्ट आता है 1793 का, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 वाज इंट्रोड्यूस्ड चार्टर एक्ट कौन सा आता है 1793 का, और इस एक्ट में क्या होता है, ईस्ट इंडिया आर्मी वाज reorganized and downsized, ईस्ट इंडिया आर्मी को reorganize किया जाता है और downsized किया जाता है।